नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज से। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज समहन प्रयागराज। जी हां, 3 मार्च को पूर्व मध्यम प्रथम इतिहास पुराण एवं संस्कृत की परीक्षा चल रही है। उसका विवरण वहाँ पहुँच कर केंद्राध्यक्ष रविन्द्र नाथ एवं आंतरिक कक्ष निरीक्षक संजय सिंह, सौरभ कुमार गुप्ता, वाह्य निरीक्षक सचिदानंद पांडे, रामेश्वर त्रिपाठी, प्रकाश चंद शुक्ला, शिव नारायण ओझा, कृपा शंकर, धीरज कुमार शुक्ला से मिलकर वहां का अवलोकन किया एवं छात्रों से भी मिलकर पूरी जानकारी प्राप्त की। परीक्षा सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। विद्यार्थी परीक्षा देने से संलग्न थे। विद्यार्थी लेखन कार्य में व्यस्त थे और वहां से निकलने के बाद मैं छात्रों से जानकारी लिया। इसमें छात्र उत्साहपूर्ण ढंग से पेपर का कार्य संपन्न किया और यह भी बताया कि पेपर बहुत अच्छा था और हम लोग भी अध्ययन करके जो आज का पेपर था इतिहास पुराण संस्कृत इतिहास से हमको विगत की जानकारी प्राप्त होती है और पुराण से हमें सभी प्रकार का ज्ञान आध्यात्मिक भौतिक एवं दैविक सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है और हमारी संस्कृत पर भी हमारा संस्कार निर्धारित है। इसी तरह से संस्कृत दिनों दिन विकास एवं पदोन्नति उत्तरोत्तर होती रही है जिससे हमारा राष्ट्र जनपद और ग्राम विकसित होते रहेंगे। मैम, प्रयागराज मेजा रोड पे दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पर इस समय 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम चालू है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आज हम उसके बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। थोड़ा देखते हैं यहाँ की सुविधा और यहाँ की टीचर्स और स्टूडेंट का क्या राय है, तो आपको हम ले चलते हैं कॉलेज की तरफ। इस समय अलाउड तो नहीं है एग्ज़ाम हॉल में जाना, अनुमति मिलती है तो हम आगे स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और अदरवाइज़ फिर हम जब वो उनका वेट करेंगे, जब वो लोग आ जाएंगे फिर हम उनसे बातचीत करेंगे स्टूडेंट लोग से। आप यहाँ पर बैठते हो? किसके तौर पे बैठते हो यहाँ पर? टीचर के तौर पे। सॉरी, टीचर जी पे। टीचर हो आप? नहीं। फिर आप हो कौन? यहाँ पर चपरासी? चपरासी हैं आप, तो अभी कुछ बता सकते हैं हमें क्या चालू है इस यहाँ पर? परीक्षा हो रहा है। कौन सी क्लास की परीक्षा हो रही है इस समय? क्या कहते हैं, सामने आ जी, सामने। नौ वाले को इधर हो रहा सामने है। हाँ। नौ वाले की हो रहा है। सिर्फ नौ वाले का हो रहा है? नौ और बारह। आज 12वीं की एग्जाम है कि 10वीं की एग्जाम है? अब हमको मालूम है नहीं। चलेगा, ठीक है। आप कब से यहाँ? सुबह हम 8 बजे से आते हैं सुबह जी, आप 5 बजे चले जाते हैं। 5 बजे चले जाते हैं जब परीक्षा खत्म हो जाता है। ओके। और यहाँ के शिक्षक कभी आते हैं? शिक्षक हैं, अंदर हैं। कभी आते हैं? उनका टाइमिंग क्या है? वो लोग करीब 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे आ जाते हैं? नहीं, एकदम करेक्ट 9 बजे करेक्ट आ जाते हैं। और कितने बजे जाते हैं? वही 5 बजे जाते हैं। 5 बजे जाते हैं। इस कॉलेज का नाम बता सकते हैं? कॉलेज का नाम सहमन। सहमन। ओके। आपका नाम जान सकते हो? प्रेम नारायण। संजय सिंह। संजय सिंह, आप यहाँ पर क्या करते हैं सर? हम यहाँ के सहायक अध्यापक हैं संस्कृत के। संस्कृत के अध्यापक हैं इस समय हमारे साथ। कुछ बताएंगे आप यहाँ के बारे में, इस कॉलेज के बारे में सर? कॉलेज के बारे में क्या बताएं, यही देख लीजिए हर चीज़ इसके बारे में, कैसा है कैसा नहीं है, सब व्यवस्थाएँ हैं, बच्चे हैं, लेकिन इस समय एग्जाम चालू है, दूसरी जगह सेंटर आया है। अच्छा। कोई पूरे मध्य संस्कृत परीक्षा हो रही है ना? कौन सी परीक्षा हो रही है? संस्कृत रामेश्वर त्रिपाठी। यहाँ के आप शिक्षक हैं? यहाँ के शिक्षक नहीं, हम श्री सुबोधनी संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय मांडा के हैं। ओके। मेरा यहाँ कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, ये मेरा सेंटर आया है तो ड्यूटी लगाई है। जी जी जी। संस्कृत बोर्ड का एग्जाम हो रहा है जी जी। सर आपका नाम? मेरा, मैं प्रधानाचार्य हूँ जी, राजकीय समान को। यहाँ से परीक्षा हो रही है संस्कृत बोर्ड की, ये लोग बाहर से आए हैं, कक्ष निरीक्षक ड्यूटी कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थोड़ा जा सकते हैं ना, बात कर सकते हैं ना सभी टीचर से? ठीक है, आ जाइए। सच्चिदानंद पांडे मैडम। सर आपका शिक्षक? हाँ, शिक्षक है। कृष्ण संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय खदरहन का पूरा से हम सच्चिदानंद पांडे शिक्षक के तौर पर हैं, यहाँ कक्ष निरीक्षक के रूप में आए हुए हैं। ओके। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट साहित्य। साहित्य जी, बहुत अच्छी बात है, साहित्य पढ़ाते हैं आप। तो अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है? आज इतिहास पुराण का है मैडम। इतिहास पुराण का? जी मैडम। ओके। तो कौन सी क्लास बैठी है? इधर 9th क्लास का हो रहा है, पूर्व मध्यमा प्रथम। इधर 9th वाले स्टूडेंट जी, सब बाहर से आए हुए हैं? सब बाहर से आए हुए हैं। तो कैसा, मतलब प्रकोप जा रहे हैं बच्चे लोग का? नहीं, सब आराम से दे रहे हैं, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है मैडम। आपका नाम सर? प्रकाश।
प्रकाशन शुक्ल। आप शिक्षक हैं? जी। आप कौन से सब्जेक्ट के हैं? व्याकरण विषय। व्याकरण के हमारे साथ शिक्षक जुड़ चुके हैं और साहित्य के भी जुड़ चुके हैं शिक्षक, जो कि इस समय इतिहास का सब चल रहा एग्जाम था। आज कौन सा एग्जाम था बच्चा? इतिहास पुराण। इतिहास पुराण? यस मैम। कैसा गया पेपर? कैसा गया? अच्छा गया मैम। कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया? यस मैम। तो 100% पास हो जाओगी? यस मैम, यकीन है। इतना लिखे हैं यकीन नहीं रहेगा हमको। इतना लिखे हैं यकीन तो रहेगा ही ना, पास होंगे। यस मैम, पास हो जाओगे बिल्कुल मैम। चलो अच्छा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। तीन लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। एक मिनट। आज कौन सा एग्जाम था आपका? इतिहास पुराण। हाँ, इतिहास पुराण का। तो कैसा गया पेपर, मिसेस बता सकते हैं? हाँ सर, पेपर अच्छा हुआ। एकदम पास हो जाएंगे आप? तो आपने समस्या तो अच्छा ही किए हैं। अच्छा किए। हाँ, उम्मीद तो वही है, जिले परीक्षा दिए, एग्जाम दिए हैं। एग्जाम दे दिए हैं, अभी ऊपर वाले के हाथ में है। आपको क्या लगता है, आपने पेपर तो आपने सही आंसर दिया है पूरा? हाँ सही आंसर दिया है। सही दिया है ना, रामायण का ही तो था ना। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छा आपने संस्कृत क्या था सबसे बढ़िया, तो उसके लिए तो पास होना जरूरी है। हाँ यही तो बात है, यही उम्मीद है ना। चलो अच्छी बात है। बाकी आप शादीशुदा हो गई है मैडम फिर भी? हाँ। कौन सी क्लास की एग्जाम दे रही हैं अभी? नाइन्थ का। तो मतलब आगे पढ़ाई करना है, आगे कंटिन्यू? हाँ, यही से तो दे रही हैं, इसलिए दे रही हैं, इसीलिए तो दे रही हैं। ससुराल से कर रहे हैं या फिर? ससुराल से, तभी तो ना। मैडम जी, ये माला ड्रेस का तो दिखेगा ना? हाँ जी बिल्कुल दिखेगा। प्रयाग एक्सप्रेस जी जी। तो ससुराल की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, ससुराल की तरफ से। बहुत अच्छी बात है मैडम जी, आपको ससुराल की तरफ से शिक्षा के लिए सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।